आजकल दांतों की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है और इन पर ध्यान देने की जरूरत है। पेश है सिराज डेंटल क्लिनिक, वन ऑफ द बेस्ट डेंटल सर्विस इन अमृतनगर मुमरा, वो भी आपके बजट में। स्पेशलिस्ट इन टीथ वाइटनिंग, रूट कैनल, टीथ इम्प्लांट एक्सट्रैक्शन, अल्सर्स, ब्रेसेस, ब्रिज एक्सरे, फुल माउथ डेंचर। सीवियर ओरल प्रॉब्लम के लिए सर्जन भी अवेलेबल है विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज। ओरल केयर एडवाइस, एंटी टोबैको एंड कैंसर अवेयरनेस विद एक्सपर्ट डॉक्टर रिदा इफत, डॉटर ऑफ डॉक्टर शिराज खान। सिराज डेंटल क्लिनिक, जहां हर मुस्कान अनमोल है। ये चाकू लेके नीचे लथपथ खून से आया। आरोपी एक नहीं था, दो थे। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दो मासूमों की बेरहमी से हत्या करने वाले साजिद की इनकाउंटर में मौत हो गई। पूरा मामला यूपी के बदायूं का है, जहां मंगलवार की शाम सदर कोतवाली इलाके में बाबा कॉलोनी में मुस्लिम नाई ने हिंदू परिवार के घर में घुसकर दो बच्चों की छुरे और अस्तूरे से हमला करके हत्या कर दी। इससे सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया और हंगामा करना शुरू कर दिया। दुकानों में तोड़फोड़ करने के बाद उसमें आग भी लगा दी। मौके पर पहुंची कई थानों की फोर्स ने हालात को संभालने की कोशिश की। आपको बता दें कि पत्नी के प्रसव के लिए रुपए मांगने पहुंचे हेयर ड्रेसर साजिद ने मंगलवार शाम छत पर खेल रहे पड़ोसी के बेटे आयुष व आहान की हत्या कर दी। मां का कहना है कि हत्या में साजिद और जावेद ये दोनों ही शामिल है और दोनों लड़कों की गर्दन पर छुरे से काटा गया और अस्तूरे से सीने और पेट पर ताबड़तोड़ वार किया। उधर छत पर बेटों का खून बहता रहा और इससे अनजान बच्चों की मां सुनीता घर के नीचे चाय बना रही थी। आरोपियों के हमले में उनका तीसरा बेटा पीयूष भी घायल हुआ है। घटना के चार घंटे बाद रात 10 बजे पुलिस ने आरोपी साजिद को मुठभेड़ में मार गिराया। इससे पहले हत्याकांड में आक्रोशित भीड़ सड़क पर उतर आई थी और साजिद व उसके साथी जावेद की दुकान में तोड़फोड़ कर आग लगा दी थी। कई वाहनों में भी तोड़फोड़ और पथराव कर सड़क को जाम कर दिया गया था। वहीं मां का कहना है कि आरोपी एक नहीं दो हैं, साजिद और जावेद भी ये दोनों शामिल हैं हत्या में, जबकि साजिद का इनकाउंटर कर दिया गया है। एक भाग गया है, दो थे। एक ने दुकान जल्दी बढ़ा के वो नीचे इंतजार कर रहा था, दो थे। क्या नाम था दोनों का? क्या नाम था दोनों का? जावेद और साजन, साजिद। तो दोनों आपके घर पे दोनों आए थे? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर वो आके मुझसे पहले बोले भाभी क्लेचर दे दो। अच्छा। मैंने क्लेचर 3 लिए, मुझे 50 रुपये दिए तो मैंने 5 रुपये उसे लौटा दिए। मैंने कहा बेटा 15-15 के 45 के बने। बोले ठीक है भाभी। तो फिर उसने लेके तो बोला भाभी कुछ काम से आए। हमने बोल बेटा क्या है? बोला मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है। तो हमने तुरंत ही अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, हमने कहा ऐसे ऐसे है, वो जावेद और वो दोनों आके पैसे मांग रहे हैं। तो बोले कोई बात नहीं, बच्चे सही हैं, दे दो होगा, मतलब मुसीबत तो। हमने भी कहा कोई बात ना, मुसीबत सब पे। हाँ। बोला मुझे 11 बजे का टाइम दिया है वहाँ पे हॉस्पिटल में, जनाने अस्पताल में डिलीवरी होने को है हमारी बहू के। तो 5 बच्चे हमारे ख़त्म हो गए, एक है, हमारे बच्चे बचते ही नहीं। हमने अच्छा भैया कोई बात नहीं, कोई सब मुसीबत तो सब पे आ जाती, कोई बात ना, बैठो 9 बजे तुम वैसे दुकान बढ़ाते हैं, आप चले जाना 9 बजे बढ़ाएंगे तो आप चले जाना, टाइम कट जाएगा। मैंने उसे चाय भी पिलाई, चाय लेके ऊपर मंगाई उसने, तो ऊपर दे दी। हम चलो कोई बात नहीं, नहीं टाइम कट रहा, मतलब बेचैनी होगी इसे। फिर इसने बच्चों को बुलाया ऊपर, फिर एक को बड़े को रोक लिया, इसने छोटे से पानी मंगाया, बीच वाले को वहाँ गुटखा मंगाई। हमारे बच्चे गुटखा वगैरह नहीं लाते, जिसने मंगाया वो चले गए। और वो गया तो उसे पकड़ के उसका यहाँ, तो उसका गिलास हाथ से गिरा। तो हमने पूछा तो आवाज ही नहीं आई, तो हमने हो सकता है डर ना बोला हो वो।
फिर जो चाकू लेके नीचे लतपत खून से आया, छोट बीच वाले को भी पकड़ा इसने, वो तो चाकू उसने उसके गिरा, उसने फेंका और छुटा के भाग के आ गया नीचे। उस समय दूसरा वाले व्यक्ति कहाँ था? दूसरा नीचे था, नीचे बैठा हुआ। हाँ, तो ऊपर जावेद गया था या साजिद गया था? साजिद गया था। जावेद आपके पास नीचे बैठा हुआ? हाँ, हमसे 5,000 रुपए लेके गया। 5,000 रुपए नहीं लगा लो तुम्हें? हाँ, 5,000 रुपए भी लेके गया। तो आपका ये मानना है कि अभी आरोपी एक नहीं था, दो थे? ठीक है। दुकान उसकी हमेशा बढ़ती थी 8 बजे, आज उसने 6 बजे 6:30 बजे ही दुकान बढ़ा दी, दिन में ही बढ़ा दी आज दुकान। हमारे दो भैया के बच्चे थे, कहा चलो इतने पहले वहाँ कार्रवाई का दुकान है, कटुआ साले उसने हमारे भैया के बच्चों के लिए टोपे रहने से मारा है, हमें इंसाफ चाहिए, खून का बदला खून चाहिए। नाम क्या था उसका? नाम क्या है? नाम उसका बच्चे का? उसका नाम तो नहीं पता है, आयु सब भी उस नाम है, और हमने तीन बच्चे हैं मेरे भैया के। वो कहाँ का रहने वाला है? वो सकानू रहता है, सकानू का रहने वाला है। यहाँ पर दुकान चलाता है? हाँ, दुकान चलाता है। क्या उम्र? बस उसे थाने में से यहाँ मुझे दिखवा दो, चौरा भी दिखवा दो, मुझे केवल खून का मतलब खून चाहिए। आज सायकाल घटना है और दो बच्चों की निशान हत्या हुई, इसमें खून से लथपथ युवक वहाँ से निकल गया और हमारी जो पुलिस टीम को पता चला, उसको पीछा किया तो इसको शेखुपुरी जंगल की तरफ जाता दिखाई दिया। हमारी टीम जब मैसूजी और लोकल थाने पुलिस पीछा किया पहुँची है, उस समय वहाँ पर जो है उसने फायर किया, जवाई फायर किया और भागने का प्रयास किया, पुलिस ने फायर किया, इस जवाब में जवाई फायरिंग में वो घायल हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। सर ये एकलौता आरोपी था? एकलौता आरोपी था, वो खून से पूरा लथपथ था, उसको पब्लिक ने हमारी टीम पीछा करी, लोगों ने बताया कि लथपथ खून से व्यक्ति इधर गया हुआ है, भागा हुआ है, फिर उसने उसको पीछा किया। सर घटना के पीछे क्या कारण था पता चला सर? घटना के पीछे कारण का हम लोग पता लगा रहे हैं, घटना के पीछे क्या रंजिश है, लेन देन का विवाद है या किस तरह विवाद है, उस बारे में बातचीत हो रही, क्योंकि वही परिवार दुखी है और उससे ज्यादा बातचीत नहीं हो पा रही है, जैसा वो आगे बातचीत होगी हम लोग बता। सर इसमें बच्चा घायल है, उसका घायल बच्चे का क्या हाल है? किस तरीके से घटना को अंजाम दिया, किस तरीके से अंदर पहुंचा और कहां पर उसने घटना को अंजाम दिया, किस तरीके से बॉडी पुलिस ने रिकवर करी, किस कानून व्यवस्था को किस तरीके? देखिए बताए आप, जहाँ बताए कि वो घर में गया, घर में जाने के बाद उसने जो है पहले उसके बच्चों की दादी से मिला, उसके बाद वो बच्चे ऊपर खेले थे सीधा ऊपर तीसरे मंजिल पर गया, वहाँ पर जाकर दोनों बच्चों को उसने की हत्या कर दी, तीसरा बच्चा छोटा था वहाँ से उसको थोड़ी वो चोट लगी, वो नीचे भाग गया। घायल बच्चा सर इस समय किस हालत में है? ठीक हालत में है वो बच्चे की। आरोपी सर कहाँ का रहने वाला है? आरोपी का नाम साजिद सना बाबू है, सिखांग रहने वाला है। सर मृतक जावेद का नाम आ रहा है कि उसका नाम साजिद सना बाबू,